हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कॉम्बिफ्लेम टेबलेट के बारे में। इसका क्या क्या यूज़ है, इसके डोज और इसमें कौन कौन से साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, और इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूरी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। हेलो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूज़ के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को बुखार या पेन हो रहे हो तो उस समय इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मसल पेन, जॉइंट पेन, हेडेक तथा डेंटल पेन, इस तरह के सभी कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, कॉम्बिफ्लेम टैबलेट को लेने के बाद आपको सीने में थोड़ी सी जलन हो सकती है, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नौजिया और पेट में दर्द हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी किसी में होते हैं और किसी किसी में भी नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिकॉशन यानी सावधानियाँ, मतलब आपको इस टैबलेट को लेते समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस टैबलेट को लेने से पहले और लेने के बाद अल्कोहल का यूज़ ना करें, और ड्राइविंग करते समय भी इस टैबलेट का यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी के अंदर भी इस टैबलेट का यूज़ बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें, जब आपको डॉक्टर बोले तब इस टैबलेट का यूज़ करें। और जो किडनी तथा लीवर के पेशेंट होते हैं उनको भी ये टैबलेट डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना चाहिए। और इस टैबलेट का यूज़ कभी भी खाली पेट ना करें, इस टैबलेट का यूज़ खाना खाने के बाद ही करें। ये थे इसके कुछ प्रिकॉशन। अब बात कर लेते हैं इसके डोज़ के बारे में। तो इस टैबलेट की जो डोज होती है वो अलग अलग होती है, इसमें पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है, यानी पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट का एज कितना है, उस कंडीशन को देखकर डॉक्टर अपना डोज देते हैं। आपको बता दूं कि कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो डोज दिए जाते हैं उसमें पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने बाद लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी किसी और के काम भी आ सके। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पर।